और मुझे लगता है रविकांत इसमें एक और पहलू जिस पर हमें बात करनी चाहिए कि क्योंकि मनकापुर के नजदीक यह हादसा हुआ है जो गोंडा में पड़ता है और गोंडा बड़ा जंक्शन, बहुत मुमकिन कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इसका स्टॉपेज गोंडा में हो तो उतनी रफ्तार इसकी ना रही हो और इसी वजह से नुकसान उस लिहाज से बड़ा ना हो, ये उम्मीद की जा सकती है फिलहाल। रविकांत रोमाना, प्रश्न आपका, अगला स्टॉपेज गोंडा था, वहां पर इस ट्रेन को रुकना था, इसको लेकर आपके पास कोई क्लैरिटी है और क्या बहुत मुमकिन है इसी वजह से ट्रेन की रफ्तार भी थोड़ा कंट्रोल में होगी क्योंकि मनकापुर के नजदीक में यह हादसा हुआ और गोंडा में आगे स्टॉपेज था? रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इस समय वॉर रूम में आ गए हैं और वॉर रूम से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, हम भी इस समय वॉर रूम के पास ही हैं, लेकिन अभी फिलहाल भीतर से कोई जानकारी नहीं आई है कि हादसे का कारण क्या है, ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि जो पटरी से ट्रेन उतरती है उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो अभी ये संभावना व्यक्त करना संभव नहीं होगा, लेकिन रेलवे वॉर रूम से इस समय जो यात्रियों की सुरक्षा और आगे की यात्रा कैसे होगी इसके दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं और कारण का पता शायद जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल क्यों हुआ जाहिर सी बात है इसकी तो जब डिटेल रिपोर्ट आएगी उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रैक में किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश आई, ये जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए, रविकांत हमारे साथ बने हुए। देखिए फिलहाल इस हादसे के बाद जो पहली प्राथमिकता है जाहिर सी बात राहत और बचाव कार्य को दी जा रही है और इसी वजह से अभी जो टीम्स हैं उनको फौरन मौके पर रवाना किया गया है, जो रिलीफ ट्रेन है रेलवे की उसके पहुंचने का यहां पर इंतजार किया जा रहा है और कोशिश इसी बात की जा रही है। गोंडा रेल हादसे से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों से बात की है, मुख्य सचिव ने सीएम को इस हादसे की विस्तृत जानकारी दी है, आसपास के जिलों के अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है, सीएचसी पीएचसी जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहां अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है स्वास्थ्य कर्मियों को, एसडीआरएफ को भी फौरन निर्देश दिया गया है मौके पर पहुंचने के लिए। गोंडा रेल हादसे से जुड़ी ये अभी की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट सीएम की तरफ से लिया जा रहा है, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से उन्होंने कमान अपने हाथ में ले लिया राहत और बचाव कार्य की, ये तस्वीर साफ हो रही है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी जानकारी ये कि एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं, एनडीआरएफ भी संपर्क में है और कई जिलों को अलर्ट किया गया आसपास के, चाहे बलरामपुर हो, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, इन तमाम जिलों में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, मौके पर जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी भेजा जा रहा है और इसमें गोंडा के अलावा देवीपाटन मंडल में श्रावस्ती से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।